أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum. Your teacher, Mr. Mehra Zafar. First of all, I would like to congratulate you on the occasion of Grand Festival of Eid al-Adha, which we all Muslims celebrated last 3 days in the remembrance of Hazrat Ismail alayhi salam, son of Hazrat Ibrahim alayhi salam. Now we continue our classes as per schedule. Today my topic is Allama Iqbal, which is lesson number 7 of your book. I would like to tell you something about the personality of Allama Iqbal. Allama Iqbal was not only a poet. Allama Iqbal is called the poet of the East. Shayar Mashriqi ne kaha tha. But he was not only the poet of the East. Wo sirf Mashriq ke shayar hi nahi the. He was a philosopher, a scholar. He worked on Arabic and Persian philosophy. उन्होंने अरबी और पर्शियन फिलॉसफी पर भी काम किया. वो स्कॉलर थे, डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की. ही वॉज ऑल्सो अ लॉयर बट ही गॉट हिज ऑनर डिग्री फ्रॉम यूरोप. और ऑनर की डिग्री जो है यूरोप से हासिल की. इसके अलावा जो है वो एक कानून साज थे. ऑल दीज थिंग्स इसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड फॉर द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल, पंजाब लेजिस्लेटिव असम्बली. कानून सर असेंबली थी पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके भी वो मेंबर थे. अल्लामा इकबाल वाज आल्सो अ पॉलिटिशियन, एक सियासतदान भी थे. ही वाज आल्सो अ ग्रेट लीडर ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के बहुत बड़े सियासी रहनुमा थे. हु क्रिएटेड अ न्यू स्पिरिट इन मुस्लिम्स टू गेट फ्रीडम फ्रॉम हिंदू डोमिनेशन. उस वक्त एट दैट टाइम जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, हिंदू मुसलमान एक साथ रहा करते थे. देर वाज नो स्पेस फॉर द मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं थी. देर वाज नो जस्टिस, इंसाफ नहीं था. और मुसलमानों को हर फील्ड से बहुत पीछे रखा जाता था. और उस वक्त मुसलमानों के जहन में कोई ऐसी सोच नहीं थी. देर वाज नो थॉट अबाउट द फ्रीडम, आज़ादी के बारे में कोई भी सोच नहीं थी. एट दैट टाइम अल्लामा इकबाल क्रिएटेड अ न्यू स्पिरिट इन देम. उस वक्त अल्लामा इकबाल ने एक नया जज्बा पैदा किया, द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का जज्बा. After that, the Muslims struggled for their freedom. मुसलमानों ने अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की and they got the freedom. उन्होंने आज़ादी हासिल की in the leadership of Allama Iqbal and also in the leadership of Qaed Azam. हमारे दो बड़े सियासी रहनुमा, दो अजीम हस्तियाँ, दो अजीम पर्सनलिटीज, द फर्स्ट वन अल्लामा इकबाल एंड द सेकेंड वन क़ायद आज़म. इन दोनों की क़यादत में, लीडरशिप में मुसलमानों ने जो है वो आज़ादी हासिल की. बिफोर स्टार्टिंग द एक्चुअल ट्रांजिशन ऑफ द लेसन, I would explain you some important points about the personality of Allama Iqbal. You are sharing on your screen the background of Allama Iqbal. आप स्क्रीन पर देख रहे हैं Allama Iqbal का बैकग्राउंड आपको शो हो रहा है. आप चाहें तो यू कैन टेक दी स्क्रीन शॉट ऑफ ईच स्क्रीन. हर स्क्रीन का स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं इसको सेव करने के लिए, ताकि आपके पास मटेरियल जो है वो जमा हो जाए. असाइनमेंट सॉल्व करने में आपको आसानी होती है और नॉलेज में आपकी जो है वो इंक्रीमेंट होता है, इजाफा होता है. अल्लामा इकबाल वाज बोर्न ऑन 9th November 1877 इन सियालकोट विद इन द पंजाब प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, नाउ इन पाकिस्तान. अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए सियालकोट में. और सियालकोट जो है वो प्लेस जो है वो कहाँ थी, वो सिटी, वो जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी पहले तो सब कुछ हिंदुस्तान ही था, पाकिस्तान का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. तो ब्रिटिश इंडिया के सूबे पंजाब में सियालकोट था, जो कि अब पाकिस्तान में है पंजाब, सियालकोट. वहाँ पर जो है अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई. अल्लामा इकबाल हैज वन ब्रदर नेम इज अब्दुल रज्जाक याकूब. अल्लामा इकबाल के भाई थे जिनका नाम था अब्दुल रज्जाक याकूब. इकबाल फादर शेख नूर मोहम्मद डाइड 1930, वाज अ टेलर, नॉट फॉर्मली एजुकेटेड बट अ रिलीजियस मैन. Allama Iqbal's father did not get the education from any school or university. It means that Allama Iqbal ke walid ne apni taleem jo hasil ki wo kisi ek prominent kisi university, kisi school, kisi aisi jagah se hasil nahi ki number, aur na hi unke paas koi degree thi. But he was a very religious person, ek bahut hi mazhabi shakhs the, ek bahut hi sulje hue humble insaan the. Iqbal's mother Imam Bibi was a polite and humble woman who helped the poor and solved the problems of neighbors. Allama Iqbal ki jo walida thi jinka naam tha Imam Bibi, wo ek bahut hi polite yani soft kind hearted aur ek bahut hi humble woman thi.
और वो हमेशा जो है वो गरीबों की मदद किया करती थी, हु हेल्प दी पुअर पीपल, हु केयर देयर नेबर्स, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखती थी, सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज को, उनके मसाइल को हल किया करती थी। और उनकी डेथ इन्होंने बताई है, शी डाइड ऑन ऑल्सो 9th November, उनकी मदर की डेथ भी 9 नवंबर को ही हुई। और उनका जो यह बताया है, इन्होंने कहा है 1914 इन सियालकोट। इकबाल लव्ड हिज मदर एंड ऑन हर डेथ ही एक्सप्रेस्ड हिज बेस्ट फीलिंग इन अ पोएटिक फॉर्म। अल्लामा इकबाल को अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा उनसियत थी, ही लव्ड मच विद हिज मदर, बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और उनकी डेथ पर जो है अल्लामा इकबाल ने अपने जो पैदस फीलिंग का मतलब है फीलिंग ऑफ इमोशंस, सैडली फीलिंग ऑफ इमोशंस, जो उदासी के जो जज्बात थे, महसूसात जो थे या एहसासात थे, उनको किस तरह उन्होंने एक्सप्रेस किया, पोएटिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया। यानी कि अल्लामा इकबाल ने अपनी मदर की डेथ के बाद जो है शायरी शुरू कर दी, और इन्होंने जो है वो अपनी वालदा से मोहब्बत का इजहार किया, और अफसोस और सदमे में भी इन्होंने शायरी की, ये शो करने के लिए कि इन्हें अपनी मदर से कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी उनसे थी। और ये लम्हा एट द मोमेंट वॉज वेरी सॉरफुल फॉर हिम, बहुत तकलीफ दे पेनफुल है उनके लिए उनकी मदर की डेथ का। द नेक्स्ट स्लाइड यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन, वाई इज़ अल्लामा इकबाल फेमस, अल्लामा इकबाल का रीज़न क्या है फेम होने का, और अल्लामा इकबाल की एजुकेशन के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है। यू कैन ऑल्सो टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ द स्लाइड। अल्लामा इकबाल वॉज अ पोएट, philosopher as well as an academic barrister and a scholar in British India who is widely regarded as having inspired the Pakistan movement. Pakistan movement, everybody knows about it, a great name, a great movement by which the Muslims got freedom. ek aisi tehreek jiske zariye hi musalmanon ne azadi hasil ki, Pakistan movement, azadi ki tehreek, freedom movement. jab jis waqt us waqt Maulana Muhammad Ali Johar ka daur, मौलाना शौकत अली, बी अम्मा, या आपने अपने पहले हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, तो उस वक्त की बात है जब ये तहरीक शुरू की गई थी, और इसका मकसद ये था कि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए। द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग द पाकिस्तान मूवमेंट वॉज दैट टूगेदर द मुस्लिम एट अ प्लेटफॉर्म, मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करना, एंड क्रिएटेड अ सेंस इन देम टू गॉट फ्रीडम, और उनमें एक ऐसा सेंस पैदा करना, एहसास दिलाना कि आज़ादी उनके लिए कितनी ज़रूरी है, आज़ादी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अल्लामा इकबाल एक शायर थे, फिलासफ़र थे, फिलासफी भी काम किया, अरबिक एंड पर्शियन, पॉलिटिशियन थे, सियासतदान थे, पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी थे, और इसी तरह एकेडमिक बैरिस्टर थे, लॉयर एज ए वो लॉयर नहीं थे जो फाइट करते हैं लोगों के लिए और जो है वो कोर्ट में जाके जो है वो मुकदमा वगैरह दायर करते हैं, केस फाइल करते हैं, फिर उसके लिए जो है वो अपोजिशन से लड़ते हैं, वो वाले बैरिस्टर नहीं थे। एकेडमिक बैरिस्टर से LLB की डिग्री होती है जो एक एजुकेशन के थ्रू हासिल की जाती है, तो इनके पास वो डिग्री थी और ऑनर भी किया हुआ था इन्होंने। और स्कॉलर थे ब्रिटिश इंडिया में, हु इज़ वाइडली रिगार्डेड एज हैविंग इंस्पायर्ड द पाकिस्तान मूवमेंट, जो पाकिस्तानी मूवमेंट से इंस्पायरेशन के रिगार्डेड बनाई गई थी। ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर्स इन उर्दू लिटरेचर, उर्दू अदब में बहुत बड़ा नाम है। अल्लामा इकबाल इज़ वेरी फेमस इन उर्दू पोइट्री, आपने अल्लामा इकबाल की शायरी जो है वो बहुत ज़्यादा सुनी होगी, एक उनका बहुत कॉमन सा शेर है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुम्बद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। इसी तरह इनकी और बहुत सारी मशहूर शायरी है जो मुख्तलिफ ओकेजन्स पर पढ़ी जाती है, इनके रिमेम्बरेंस में लिखी जाती है, इनके डे को सेलिब्रेट किया जाता है स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बैनर्स लगाए जाते हैं और इनकी शायरी को यूज़ किया जाता है, डिस्कस किया जाता है। तो अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ा नाम उर्दू लिटरेचर में, उर्दू अदब में, उर्दू शायरी में बहुत बड़ा नाम। विद लिटरेरी वर्क इन बोथ दी उर्दू एंड पर्शियन लैंग्वेजेस, दोनों लैंग्वेजेस पर काम किया, फारसी ज़बानों में भी शायरी की और उर्दू ज़बानों में भी शायरी की, और बहुत बहुत ज़्यादा मरतबा तो ऐसा हुआ
जो फर्स्ट टाइम जो रिटन कंपोजिशन थी, जो पोइट्री थी, वो इन पर्शियन लैंग्वेज थी, फारसी जबान में थी, और उसको बाद में उर्दू में ट्रांसलेट किया गया कॉमन लैंग्वेज के तौर पे, क्योंकि उर्दू जो है वो हमारी मदर टंग है, मातृ जबान है, और एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज है, ईजी लैंग्वेज है, इट इज़ स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बोली जाती है, इसलिए उर्दू में भी इनकी पोइट्री का ट्रांसलेशन की गई है। विद लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क का मतलब है फॉर्मल वर्क, फॉर्मल वर्क अदबी काम, इल्मी काम, लिटरेरी वर्क इल्मी काम, इन्होंने इल्मी काम दोनों लैंग्वेजेस में किया, पर्शियन में भी और उर्दू में भी। अल्लामा इकबाल पर्सनल लाइफ, इकबाल मैरिड 3 times। अच्छा, इनके बारे में मैं कुछ बता रही हूँ जो आपको, तो इनकी मैरिज को हम डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट स्लाइड में, अभी शॉर्ट में आपको यहाँ डिस्कस ये किया गया है कि 3 times जो है वो इन्होंने मैरिज की, शादी की 3 times। In 1895, while studying the Bachelor of Arts, he had first marriage with Kareem Bibi through an arranged marriage. पहली शादी अरेंज मैरिज, इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम करीम बीबी, और ये उस वक्त इन्होंने की शादी जब ये बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल कर रहे थे, यानी कि ये पढ़ रहे थे बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए, सिंपल बीए ऑनर, ठीक है, ये पढ़ रहे थे, तालीम हासिल कर रहे थे। एट दैट टाइम ही गॉट मैरिज, इन्होंने शादी कर ली। दे हैड डॉटर महराज बेगम एंड सन आफ्ताब आफ्ताब इकबाल, तो इनकी जो बेटी थी उनका नाम था महराज बेगम, और एक बेटा था जिसका नाम था आफ्ताब इकबाल। लेटर इकबाल सेकेंड मैरिज वॉज विद सरदार बेगम, मदर ऑफ जावेद इकबाल। उसके बाद जो इनकी दूसरी शादी हुई वो सरदार बेगम से हुई, और इनकी जो फिर ये डिसेंडेंट थे, डिसेंडेंट आपको पता है ना, जो मतलब बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें कहा जाता है, जावेद इकबाल इनके बेटे थे। एंड थर्ड टाइम ही गॉट मैरिज विद मुख्तार बेगम इन दिसंबर 1914। इसी मतलब जो शादी की मुख्तार बेगम से की 1914 में दिसंबर में। अल्लामा इकबाल्स हायर एजुकेशन इन यूरोप, आला तालीम कैसे हासिल की। इकबाल प्रोसीडेड टू यूरोप फॉर हायर स्टडीज इन 1905 एंड स्टेड देयर फॉर 3 years। ही टुक द ऑनर्स डिग्री इन फिलॉसफी एंड टॉट अरबिक एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन द एब्सेंस ऑफ प्रोफेसर अर्नॉल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। ही वेंट टू जर्मनी टू डू हिज डॉक्टरेट इन फिलॉसफी फ्रॉम म्यूनिख एंड देन रिटर्न टू लंदन टू क्वालिफाई फॉर द बार। अल्लामा इकबाल ने आला तालीम हासिल की यूरोप से 1905 में, और 3 साल तक वहाँ इन्होंने स्टे किया, 3 years। उसके बाद ऑनर की डिग्री हासिल की, बीए की डिग्री हासिल की, फिलॉसफी में ऑनर किया, और उसके बाद कौन सी लैंग्वेज सीखी, अरबिक लैंग्वेज सीखी, कौन सी यूनिवर्सिटी से, सॉरी अरबिक लैंग्वेज पढ़ाई टॉट, और कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई, अरबिक लैंग्वेज पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। एक प्रोफेसर थे इंग्लैंड के अर्नॉल्ड, अर्नॉल्ड की एब्सेंस में उस वक्त के एब्सेंट थे, इनकी गैर मौजूदगी में अल्लामा इकबाल ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अरबिक सब्जेक्ट जो है वो टीच किया। ही वेंट टू जर्मनी टू डू हिज डॉक्टरेट इन फिलॉसफी फ्रॉम म्यूनिख एंड देन रिटर्न टू लंदन टू क्वालिफाई फॉर द बार। उसके बाद ये जर्मनी चले गए थे जहाँ से इन्होंने फिलॉसफी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की, फिलॉसफी में डॉक्टरेट किया म्यूनिख यूनिवर्सिटी से, जर्मनी में यूनिवर्सिटी है म्यूनिख, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद ये दोबारा लंदन वापस आए, और लंदन आकर इन्होंने टू क्वालिफाई फॉर द बार, बार कहते हैं लॉ को, लॉ का काम जारी रखा, कानून साधी का, इसी पर इन्होंने वर्क किया। नाउ वी टॉक अबाउट अल्लामा इकबाल पर्सनालिटी एज ए पॉलिटिशियन, एक सियासतदान होने की हैसियत से वो कैसे थे। इन 1927 द पोएट वॉज इलेक्टेड टू द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। In 1920, he was elected to preside over at the annual session of Muslim League. In his presidential address at Allahabad, Iqbal for the first time introduced the idea of Pakistan. In 1930-31, he attended the roundtable conference which met in London to frame a constitution for India. Allama Iqbal as politician. As a politician, agar baat kare, if we talk about, he was also a politician. In 1927, ये जो पोएट थे हमारे अल्लामा इकबाल, ही वॉज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली।
पंजाब आप जानते हैं इट इज अ प्रोविंस, एट दैट टाइम उस वक्त भी जो है वो ब्रिटिश इंडिया में पंजाब ही था, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ये आफ्टर द फ्रीडम हमने हासिल कर लिया, तो हमारे पास भी ये पंजाब ही है, ठीक है। लेकिन पहले जो था ये जो लाहौर पंजाब जो था ये इंडिया में था, हिंदुस्तान में था। तो अच्छा पंजाब सूबा प्रोविंस हो गया। लेजिस्लेटिव के मीनिंग होते हैं कानून साज, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कानून साज असेंबली। इट इज अ प्लेस वेयर द जजेस एंड द लॉयर्स डिस्कस द इश्यूज, ये वो प्लेस होती है, ये वो रूम होता है, असेंबली होती है जहाँ कुछ जजेस होते हैं, कुछ लॉयर्स होते हैं और वो उसके मेंबर होते हैं असेंबली के, वो डिस्कस करते हैं हमारे इश्यूज पर, जो हमारे कवानीन हैं उनको किस तरह जो है प्रोसीड किया जाए और कौन सा कंस्टिट्यूट है वो बनाया जाए, हमारे मुल्क के मफाद के लिए कौन सा आइन होना बेहतर है, विच इज़ द बेटर वन, ये सब डिस्कशन की जाती है। तो इसी तरह से पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली के ये मेंबर थे। 1930 में इन्हें मुंतखब कर लिया गया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास के खुतबे के लिए। सरगर्म उस वक्त जो है वो टू पार्टीज हुआ करती थी, एक होती थी नेशनल कांग्रेस और एक होती थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो सबसे पहली पार्टी थी ना वो थी नेशनल कांग्रेस, एंड इन द नेशनल कांग्रेस द लीडर वॉज कायदे आजम। उस वक्त क्योंकि वो पहली पार्टी थी और कायदे आजम को जो है वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर भी कहा जाता है, कायदे आजम इज कॉल्ड दी एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर कहा जाता है कायदे आजम को। तो इसलिए कायदे आजम को जो है उन लोगों ने लीडर बना दिया था वहाँ का, और हिंदू और मुसलमान दोनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे कायदे आजम से। तो इनकी लीडरशिप में उस पार्टी में नेशनल कांग्रेस में हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, बोथ द नेशंस वर देयर, दोनों कौमें थी। लेकिन कुछ अरसे बाद आफ्टर सम टाइम अल्लामा इकबाल एट कायदे आजम थॉट दैट दे आर द डिफरेंट पार्टीज, देयर मोटिव आर जस्ट डिफरेंट, देयर आप कलमा ही हमारा ईमान है मजहब है और उनका इससे दूर दूर तक कोई मतलब वास्ता ही नहीं है। तो हम बिल्कुल मुख्तलिफ थे, बिल्कुल जुदा थे। उनको रियलाइज हो गया अल्लामा इकबाल एंड कायदे आजम रियलाइज दैट हिंदू एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशन, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, देयर इज नो वे टू टेक बोथ ऑन द सेम पाथ, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है उन दोनों को एक ही रास्ते पर चलाना। उसके बाद जो बनाई गई थी वो बनाई थी हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में फिर बाद में कायदे आजम ने भी जो है अपनी ट्रांसफर कर लिया था, दे लेफ्ट ही लेफ्ट दी पार्टी नेशनल कांग्रेस एंड ज्वाइन दी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायदे आजम ने वो छोड़कर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली थी। और इसी तरह फिर अल्लामा इकबाल ने भी इसको प्रोसीड किया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जहाँ जहाँ भी इजलास हुआ कायदे आजम ने काफ़ी जगह जो है वो खुतबा दिया। कायदे आजम ने अल्लामा इकबाल को कई मौक़ों पर लेटर्स भी लिखे, कायदे आजम को जो है वो इस बात का यकीन दिलाया कि अब जो है वो वक्त आ गया है कि नाउ वी हैड टू टेक आई स्टेप फॉरवर्ड फॉर द मुस्लिम, मुसलमानों के लिए कदम आगे बढ़कर सोचना पड़ेगा नाउ एट दिस टाइम, अब वो वक्त आ गया है। तो इन्होंने अल्लामा इकबाल ने बहुत सारे सारे इकतदार दी, खुदे भी दिए, सेशन भी किए, इजलास भी किए। इन इस प्रेजिडेंशियल एड्रेस एट अलाहाबाद इकबाल फॉर द फर्स्ट टाइम यूज द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, पहली मरतबा अलाहाबाद पर जो इनका एड्रेस था प्रेजिडेंशियल एड्रेस सदारती खुतबा था जो कि एक बहुत बड़े मुसलमानों की गैदरिंग को दिया गया था, उसमें पहली बार मुसलमानों के मौकफ यानी पाकिस्तान को वाजे किया गया। अल्लामा इकबाल फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल ने पहली बार पाकिस्तान का ख्याल जाहिर कर दिया। He tried to realize the Muslims, there is only one way, which is Pakistan. उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया मुसलमानों को उस खुतबे में पहली बार कि हमारे लिए अलग वतन बहुत ज़रूरी है। In 1930 to 31, he attended the round table conference which met in London to frame a constitution for India. 1930 से 1931 तक इन्होंने इसी दौरान लंदन में थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जाता है, और वहाँ पर इंडिया के आइन को फ्रेम किया गया था। आइन को फ्रेम मतलब क्या किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था, यानी आइनी पॉलिसी
क्रिएट की गई थी। अल्लामा इकबाल ने इस तरह बहुत ज़्यादा एज ए पॉलिटिशियन काम किया, और आज जो हमारे पास पाकिस्तान है, कहते हैं ना, देखा था ख्वाब इकबाल ने सुहाना, इस पर जो है वो हमारा जो है वो कौमी नगमा भी है, नेशनल सॉन्ग भी है हमारा, है कौमी नगमा भी है। कायदे आज़म तेरा एहसान है के साथ जो है हम अक्सर जब कायदे आज़म का नाम लेते हैं और ये नगमा पढ़ते हैं तो उसमें अल्लामा इकबाल की लाइन्स भी आती हैं। तो अल्लामा इकबाल अ ग्रेट पर्सनैलिटी, नो नीड टू फेम, अब कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं इनके बारे में, इतनी ज़्यादा मशहूर पर्सनैलिटी, हम बचपन से इनके बारे में सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि आज जो पाकिस्तान हमारा है, हमारे पास है, दिस कंट्री, इस मुल्क में वी आर सर्वाइविंग हियर विद फ्रीडम, जहाँ हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं। इट इज़ ऑल द एफर्ट ऑफ कायद आज़म एंड अल्लामा इकबाल, ये जो है सिर्फ कोशिश है कायद आज़म और अल्लामा इकबाल की, और हमारे उन लोगों की भी जो सेक्रीफाइसेस देयर लाइफ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, कायद लियाकत अली खान, जिनके बारे में आगे हम हमारे चैप्टर्स में हम और मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है, डी अम्मा, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा थी, हमारी बहुत सारी खातिन भी हैं जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर सेक्रीफाइस सेल्फ फॉर द पाकिस्तान, फॉर द फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। हम डिस्कस करते हैं इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट, लाइक अबाउट द मैरिटल स्टेटस। इनकी शादी का कुछ हम डिस्कशन करते हैं कि इनकी मैरिड शादी किस तरह हुई और क्या इनका बैकग्राउंड क्या था। इकबाल्स फर्स्ट वाइफ करीम बीबी केम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली इन गुजरात। Her father Sheikh Ata Muhammad 1852 to 1922 received the title of Khan Bahadur from the British government in 1877 and was served as a physician. Allama Iqbal ki pehli shaadi kareem biwi se hui, bahut acche well educated family se unka taluq tha Gujarat se. Inke father Sheikh Ata Muhammad 1850 mein inki paidaish aur 1922 mein inki death hui, aur inke father in law jise susar bhi kaha jayega Allama Iqbal ke, तो सर यानी फादर इन लॉ ने एक टाइटल भी रिसीव किया था, ही रिसीव्ड अ टाइटल ऑफ खान बहादुर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। खान बहादुर का इन्हें अवार्ड दिया गया था, इन्हें टाइटल खिताब दिया गया था, और ये किसने दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था 1877 में, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत काम किया था उस वक्त, और ये एक फिजिशियन एक हकीम के तौर पर भी काम करते थे। करीमी 20 मैरिज विद इकबाल टुक प्लेस ऑन मे 4, 1893, the same day when Iqbal entrance examination result were announced. Kareem Bibi ki shaadi Allama Iqbal ke saath 4 May 1893 mein hui, aur wo jo din tha wo tha Allama Iqbal ki jo entrance examination hui thi uska result announcement day tha, yani usse din Allama Iqbal ka examination result bhi announce kiya gaya tha. The marriage was not very successful and the couple was formally separated sometime between 1910 and 1913. Iqbal continued paying her stipend till her death. ये शादी कुछ कामयाब नहीं हुई, कुछ इख्तलाफात, कुछ different thoughts की बिना पर ऐसा होता है कि जब mind matching नहीं होती है, कुछ patience नहीं होता है, तो फिर कुछ ऐसा होता है कि separation भी some time हो जाती है। तो अल्लामा इकबाल सर्वाइविंग द सेम केस, ऐसा ही हुआ उनके साथ, एक शादी कामयाब नहीं हुई, और कुछ वक्त बाद 1910 से 1913 के दरमियान के बाद इन्होंने सेपरेशन इख्तियार कर ली। अल्लामा इकबाल कंटिन्यूड पेइंग हर स्टिपेंड टिल हर डेथ, लेकिन अल्लामा इकबाल उनकी डेथ तक जो है वो उन्हें मतलब सराहते रहे, ऐसा नहीं था कि उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया गया, उनकी वाइफ को उन्होंने बहुत उनकी इंसल्टिंग उनके साथ कोई बिहेवियर रखा, बहुत काइंड हार्टेड थे, ऐसा कुछ नहीं था, और उनको उनकी डेथ तक जो है वो कराते रहे। स्टिपेंड का मतलब जो है वो दूसरे सेंस में सैलरी पेंशन अवार्ड भी होता है, ठीक है। सेकेंड वाइफ मुख्तार बेगम वॉज इकबाल सेकेंड वाइफ एंड डाइड इन हर फर्स्ट चाइल्ड बर्थ इन 1924। इकबाल मैरिड हर इन 1913। शी लेफ्ट नो ऑफस्प्रिंग। इकबाल्स मैरिज टू मुख्तार वॉज ऑलमोस्ट केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, वी आर टोल्ड बाय हिज फ्रेंड मिर्जा जलालुद्दीन। मुख्तार बेगम से शादी अल्लामा इकबाल की हुई, और फिर
पहले बच्चे की पैदाइश पर 1924 में जो है इनकी वाइफ की डेथ हो गई। अल्लामा इकबाल ने इनसे 1913 में शादी की थी और इनकी कोई भी ऑफस्प्रिंग यानी कोई भी औलाद, कोई किड, कोई चाइल्ड इनका नहीं था मुख्तार बेगम का। और अल्लामा इकबाल की शादी जो मुख्तार बेगम से हुई थी वो कुछ गलतफहमी की बुनियाद पर हुई थी। इनके एक फ्रेंड मिर्जा जलालुद्दीन ने इस बात को डिक्लेयर किया बाद में। इकबाल एंड हिज फैमिली वर अंडर द इंप्रेशन दैट दे हैड टू प्रपोज अ डॉटर ऑफ अ वेल टू डू पर्सन इन लुधियाना पंजाब, बट इट वॉज ओनली लर्न आफ्टर द मैरिज दैट मुख्तार वॉज द ऑर्फन नाइस ऑफ द जेंटलमैन। हाउएवर इट वॉज हार्डली एन इशू एंड इकबाल वॉज क्वाइट हैप्पी विद हर। अल्लामा इकबाल और उनकी फैमिली को कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो ऐसे घराने में अपने बेटे का रिश्ता कर चुके हैं या कर रहे हैं जो कि बहुत ही पंजाब के बहुत ही वेल एजुकेटेड वेल ग्रेड अपग्रेड और वेल टू डू पर्सन की बेटी हैं और उनका ताल्लुक लुधियाना पंजाब से था। पंजाब में एक प्लेस का नाम है लुधियाना। बट इट वॉज नॉट ओनली लर्न आफ्टर, लेकिन शादी के बाद जो है पता चला कि जो मुख्तार थी मुख्तार बेगम वो ऑर्फन नीस थी उन जेंटलमैन की यानी जिनके साथ वो रहा करती थी, उनकी यतीम भतीजी थी यानी माँ बाप की आफ्टर द डेथ ऑफ फादर एंड मदर हिज क्या कहेंगे आप इनको अंकल कह सकते हैं क्योंकि ये शायद चचा या ताया शायद मामू, उनके साथ वो रहा करती थी और वो उनकी नीस थी ऑर्फन थी। तो ये मुहालते में जो है बाय मिस्टेक इन दिस मैरिज वॉज डन, शादी की गई थी। इट वॉज हार्डली एन इशू, बहुत हार्ड इशू था लेकिन अल्लामा इकबाल जो थे वो क्वाइट हैप्पी विद हर, उनके साथ बहुत खुश थे एंड कंटेंटेड और मुतमईन थे अपनी ज़िंदगी से। सरदार बेगम वॉज एन ऑर्फन कश्मीरी गर्ल लिविंग इन लाहौर व्हेन इकबाल मैरिड हर इन विंटर ऑफ 1910। 1910 में सर्दियों में, ये देखें आप स्क्रीन पर इफ यू आर वॉचिंग देयर इज अ मिस्टेक, अल्लामा इकबाल मैरिड हर, ठीक है यहाँ पर जो है ये कुछ नहीं आएगा। ईयर आप लिख लें इन द ईयर ऑफ 1910, ये होगा इन द ईयर ऑफ 1910, ठीक है। सरदार बेगम जो थी वो भी जो थी ऑर्फनेट थी यानी यतीम थी, शी हैज नो फादर एंड मदर, उनके अम्मी अबू नहीं थे। शी वाज अ कश्मीरी गर्ल, एक कश्मीरी लड़की थी लाहौर में रहा करती थी जब अल्लामा इकबाल ने उनसे शादी की 1910 में। ओनली निकाह वॉज परफॉर्म ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर सिर्फ क्या किया गया था निकाह किया गया था शादी के साथ। वाइल द रुखसती वॉज टू बी हेल्ड लेटर, उसके कुछ अरसे बाद जो है वो रुखसती की रस्म जो है वो अदा की गई थी। श्री बेट इज फेवरेट वाइफ, उनकी तीनों वाइफ्स में ये उनकी अच्छी बीवी साबित हुई। इट इज़ अ स्ट्रेंज टेल ऑफ लव, एक अजीब सी कहानी इनके साथ खुशियत की मोहब्बत की हकीकत की शुरू हो गई। आई विश आई हैड नोन द ट्रुथ बिफोर टेकिंग द सेकंड वाइफ, ही रोट टू अ फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्त को लिखा कि काश मुझे अपनी दूसरी शादी से पहले ही अंदाजा हो जाता या उसको सच पता चल जाता जो मैं नहीं जानता था। अदर फ्रेंड्स फेल्ट अ चेंज इन हिज लाइफ स्टाइल, उनके दोस्तों ने उनकी ज़िंदगी में इस शादी के बाद काफ़ी तब्दीली महसूस की। ही वुड नियरली स्पेंड ऑल हिज टाइम एट होम, अपना ज़्यादातर वक्त घर में गुजारते थे। Apparently this new routine precipitated the companion of Asrar-e-Khudi, his first long Persian poem and excesses of his philosophy. Sardar died of prolonged illness in May 1935. अच्छा जी, ये ज़्यादातर वक्त अपना अपनी तीसरी शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ स्पेंड किया करते थे। Apparently के मीनिंग होते हैं पॉसिबली, बज़ाहिर तौर पर। दिस न्यू रूटीन प्रिसिपिटेटेड के मीनिंग होते हैं कोई ऐसा काम जो बहुत मोहब्बत से अकीदत से किया जाए, ठीक है। अपनी तीसरी शादी के बाद ज़्यादातर वक्त अपनी वाइफ के साथ स्पेंड किया करते थे और ये जो नई रूटीन थी इन्होंने इनके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा की और इन्होंने असरार-ए-खुदी जो कि इनकी एक फारसी की नज़म है, बड़ी फर्स्ट लॉन्ग पर्शियन पोम है, वो भी लिखी है असरार-ए-खुदी, ठीक है। फिलोसफी पर भी काम किया
और इनकी जो वाइफ की डेथ हुई थी थर्ड वाइफ की एक बहुत तवील बीमारी के बाद इनमें 1935 में 1935 मई में इनकी डेथ हो गई थी। अच्छा स्टूडेंट्स आप रिवाइज कीजिए, रिवाइज योर वर्क, आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस, आफ्टर दैट यू विल आस्क द क्वेश्चन एंड आई विल टेल यू द आंसर। ठीक है, मैं आप लोग की अटेंडेंस ले रही हूँ, फिर आप लोग जो है मुझसे क्वेश्चंस कीजिएगा जो भी आपको इश्यूज होंगे आपके, एंड आई विल सॉल्व योर इश्यूज। यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट इन दिस टाइम इफ यू वॉन्ट, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। Students wait. Yes, students. We have three questions. Some students are admitting late, ready students. एक्सप्लेन, अच्छा आपको क्वेश्चन है मिस एक्सिस के मीनिंग बता दीजिए, एक्सिस के मीनिंग है एक्सप्लेन करना, ट्रांसलेट करना डिटेल में, यानी तशरीह कर देना किसी भी वर्ड की, किसी भी चीज़ की तशरीह कर देना। ठीक है, अच्छा आप सबका ये क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताइए, प्लीज टेल मी आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली, क्या आप लोग मेरी आवाज़, सॉरी आर यू लिस्निंग टू मी क्लियरली, क्या आप लोग मेरी आवाज़ बिल्कुल वाजे सुन रहे हैं, सबको क्लियर आ रही है मेरी? यस, ठीक है। तो बेटा ये जो एक बच्ची ने मुझसे कहा कि आवाज़ का प्रॉब्लम है, इशू है, वो आप देखिए डिवाइसेस को चेक कीजिए, मे बी के देयर वाज समथिंग रॉन्ग, हो सकता है आपकी डिवाइसेस में कोई हबीबा हसन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए बेटा मुझसे, एनी क्वेश्चन। Yes, friends.